घर के नुकसान हुआ है एस्बेस्टस का सब मतलब छेद कर दिया घर में और ऊपर डबल स्टोरी पर खिड़की का शीशा पूरा का पूरा नुकसान कर दिया। अच्छा हाँ, यही बात था पीछे में। हाँ, बड़ा बड़ा रॉड इस कंपनी से उड़ उड़ करके गया था। हाँ, यही सब नुकसान। कितना वजन होगा रॉड का जो उड़ के गया था? उसका 25 किलो से अधिक भी। एक वो रॉड का? हाँ, जो उड़ के गया। हाँ, गांव वाला उठा कर रखल गया था। कैसा माहौल था तब? उस समय का माहौल, लोग आंधी की तरह भाग रहे थे। हाँ, पूरा गांव में? हाँ, नहीं, यहाँ के लोग आंधी की तरह भाग रहे थे। हाँ, पीछे से आवाज कर रहा था बहुत जोर जोर से। हाँ, बहुत जोर जोर से, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। इतना अधिक आदमी आता है कि एक होगा लुथरा पुथरा। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बेला के फेज टू में हूँ और ये फेज टू में एक वायलर फटने से काफी बड़ा धमाका हुआ था और आसपास के लोगों के साथ साथ इस कंपनी में काम कर रहे हैं वर्कर और इस कंपनी के काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी मेरे साथ एक चाचा जी हैं और इनका घर इस कंपनी से काफ़ी दूर है और ये बता रहे हैं कि मेरा भी घर के काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका जी? नाम बता दीजिए, नाम हुआ क्या दिक्कत? भूषण जी। हाँ हाँ, तो आपका यहाँ से घर कितना दूर है? घर है वही फैक्ट्री से 200 गज से ऊपर। हाँ हाँ, और आपके घर का भी नुकसान हुआ है? घर के नुकसान हुआ है। हाँ, एस्बेस्टस का सब मतलब छेद कर दिया घर में। हाँ, और ऊपर डबल स्टोरी पर। हाँ, खिड़की का शीशा पूरा का पूरा नुकसान कर दिया। अच्छा हाँ, और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? और नहीं, इस इतना हुआ है। हाँ, रॉड लोहा का रॉड सब गिरा हुआ था पीछे में। हाँ, बड़ा बड़ा रॉड इस कंपनी से उड़ उड़ करके गया था। हाँ, यही सब नुकसान। कितना वजन होगा रॉड का जो उड़ के गया था? उसका 25 किलो से अधिक भी। एक वो रॉड का? हाँ, जो उड़ के गया। हाँ, गांव वाला उठा कर रखल गया था। अगर किसी का शरीर पर गिर जाता तो घर पर गिरने के बाद भी नहीं बचता कोई। हाँ हाँ, घर। तो उस समय आप कहाँ थे जब ब्लास्ट हुआ था? हाँ, उस समय बरामदे पर थे। बरामदे पर थे, ये भी देखा था, आवाज होते हुए देखा था। ये बात सही है। गुबार धुआं सब दे रहा था। तो उस समय का कैसा माहौल था? उस समय का माहौल, लोग आंधी की तरह भाग रहे थे। हाँ, पूरा गांव में? हाँ, नहीं, यहाँ के लोग आंधी की तरह भाग रहे थे। अच्छा। हाँ, और घर सब हिल गया साधन ना। हाँ, घर में सब दरार पड़ गया है हिल करके। तो उसमें जब ब्लास्ट हुआ था उस समय काफी आवाज हुआ होगा? इतना अधिक आवाज कि कान बंद हो गया। हाँ, आवाज। अच्छा। चाहे और लोगों से जो पूछिए क्या हंस रहा होगा। तो वैसे आपका घर जो है रड लगाए हुए थे लेकिन रड भी सब टूट गया है ना? रड भी टूट, दीवाल भी टूट दरक गया? दीवाल नहीं टूटा है, शीशा चूर चूर होकर के पूरे बिस्तर वगैरह सब पूरा घर बर्बाद कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ऐसा इस कंपनी में जो वायलर था और लोगों से मैं पूछा हूँ तो उन लोगों का कहना है कि हमेशा आवाज कर रहा है, काफी दिन से आवाज कर रहा था। हाँ, पीछे से आवाज कर रहा था बहुत जोर जोर से। हाँ, बहुत जोर जोर से, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। कब से आवाज ये हो रहा था? एक महीना पहले से। हाँ, एक महीना पहले से रोज आवाज करता था? रोज नहीं, हर 15 दिन पर बहुत भारी आवाज। ऐसा लगता था कि फट जाएगा? फट जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन आज फट ही गया, कल फट गया। कल फट गया। तो इसमें एक सवाल है, थोड़ा सा आप बताइएगा, कितने लोग लगभग काम करते होंगे? आप लोग यहाँ के हैं तो जानते होंगे। देखिए, ये बात हम नहीं बता सकते हैं, इतना जरूर कहेंगे कि कल संडे था। अगर दूसरा दिन होता तो देखने लायक नहीं रहता। क्या होता? इतना अधिक आदमी आता है कि एक होगा लुथरा पुथरा के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। काफी ज्यादा लोग आते हैं काम करने? बहुत बहुत लोग, लेकिन संडे के कारण कुछ कम लोग। संडे के कारण था ही नहीं तब। हाँ, ये हंस रहा है, ये जान लीजिए। देखिए, चाचा हैं, इनका घर है, आंटी हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ से आई आप? उधर कच्ची पक्की से आए हैं हम। अच्छा अच्छा, आपको देखने मालूम चला था जी? हाँ, कैसे मालूम चला आपको इसके बारे में? कल गांव में बताया कोई आदमी सब, मोबाइल पर अति हुआ था। इधर आई हैं जी। देखिए, एक बार कंपनी देख लीजिए, ये इसका यही कंपनी है जो इस कंपनी नूडल्स कंपनी है और इसमें वायलर फटने के कारण ब्लास्ट हुआ है और इसमें लगभग बहुत सारे लोग, लगभग 200 से 300 ज़्यादा लोग, 300 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे, 300 से भी ज़्यादा मजदूर काम करते थे और भी बाहर से भी लोग समय समय पर आते थे। कल
संडे का दिन था, सुबह सुबह इस कंपनी में ब्लास्ट हुआ बॉयलर फटने के कारण, और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, अब सब लोग बाहर से आए हैं है? तो देखिए ये चाचा, आप कहाँ के रहने वाले चाचा? ये गाँव में क्या है, ये घर है हाँ। तो उसमें कंपनियाँ फटा था, वो कहाँ थे आप? अब कहाँ से फटा से पता ना, हम लोग तो अपना घर था, अपने घर में थे हाँ। आपका घर पूरा हिल गया होगा हाँ, पूरा एकदम हिल गया, जैसे भूकंप होता है वैसे हिल गया, हम लोग कूद गए, मकान का सब डोल गया, बुझाया जाए उलट गया। तो आप कहाँ क्या कर रहे थे जो फट पूरा मकान हिलने लगा था, क्या कर रहे थे? माल के था बथान साफ कर रहा भैंसी का बथान पर है, तो भागने लगे थे हाँ। देखिए ऐसा स्थिति यहाँ पर है, और काफ़ी डरावना माहौल था, और काफ़ी जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था इसके, इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 लोग का मौत भी हुआ है, और सरकार की तरफ से सबका मुआवजा दिया गया है 4-4 लाख का, और सभी जो बड़े बड़े नेता है उन्होंने खेद भी जताया इसके ब्लास्ट होने के कारण। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 से, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।